तो सकते तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में। आज वीडियो लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, मतलब इतना खतरनाक क्या बताऊँ। आज तुम्हारा भाई जो फर्स्ट WP है ना, जो अपने पबजी मोबाइल लाइट की फर्स्ट WP से लेके WP70 तक दिखाएगा और सारे रिवॉर्ड्स दिखाएगा और जो ही तगड़ी तगड़ी है। तो पहले फर्स्ट की बात कर ले तो यार, तो हम लोग को ना फर्स्ट पहले ना UC देखने को मिलती थी, अभी BC हो चुकी है। और भाई जो सीजन 3 था ना, वो तो और ज़्यादा कमाल का था। तो वीडियो पूरी देखना यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और भाई मेहनत लगती है यार बनाने में। तो एक लाइक कर दिया करो, जो चैनल पे नया है प्लीज़ भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो देख सकते हो भाई साहब, फ्री वालों के लिए भी ना मतलब क्या ही मस्त चीज़ें थी। UMP की स्किन मिलती थी और भाई ये सब ड्रेस मिलता था। और भाई पहले ना देखो 180 UC का होता था अपना जो विनर पास है, इलाइट विनर पास, तो भाई काफ़ी अच्छी बात थी यार। लेकिन अब BC है तो आगे जाके BC में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि भाई फर्स्ट WP था पबजी लाइट का, तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। पहले भाई काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते थे और भाई सीजन 5 और सीजन 6 का तो WP और ज़्यादा खतरनाक है यार। तो प्लीज़ यार वीडियो पूरी देखना और दोस्तों में ना शेयर कर दो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले आप लोग ये देख सकते हो भाई साहब, UC लगाने पड़ती थी पहले और भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते थे सीजन 1 में। भाई देख सकते हो सेट भी काफ़ी खतरनाक आता था यार, और भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, मतलब भाई फ्री वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और अवतार वगैरह भी मिलता था, आप लोगों को पता ही होगा जो अवतार फ्रेम, ये अवतार है और ये जो नीचे आपने देखा वो फ्रेम था, तो भाई ये सब भी मिलता था। लेकिन भाई अभी ऐसा सीन है कि अभी नहीं मिलता है हम लोग को। और भाई ID रीनेम कार्ड भी मिलता था, कतई नाम वगैरह चेंज कर सकते हर विनर पास में। भाई ये काफ़ी अच्छा सिस्टम था इस बार, तो भाई सब मतलब हम लोगों को तो मिलता ही नहीं अब विनर पास में, पता ही नहीं क्या ही हो गया है। और भाई ये देख सकते हो मतलब 2 RP ना नेक्स्ट सीजन के पहले मिल जाते थे, ये भी काफ़ी कमाल के। अब सीजन 2 की बात करें ना, तो भाई सीजन 2 भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। इसमें भी UC है, लेकिन भाई आगे जाके ना ये VC में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अगला सीजन था ना सीजन 3, भाई वो PUBG लाइट का BC में कन्वर्ट हो गया था, अभी तो फिलहाल UC है लेकिन आगे जाके BC में कन्वर्ट हो गया था ये। तो भाई सब तुम लोग देख सकते हो, रिवॉर्ड भी काफ़ी कमाल के थे और भाई टोपी तुम लोग देख सकते हो, और भाई फ्रेम भी मिलती थी और वो भी फ्री वालों के लिए यार, समझ सकते हो। मतलब फ्री में यार फ्रेम मिल रही है यहाँ भाई साहब, फ्री में यार सिल्वर नहीं मिलते, मतलब सिल्वर मिलते हैं यार, कहने का ये मतलब है। तो आप लोग देख सकते हो, और भाई जो 30 RP पे है ना वो बनी सेट है, जो कि भाई काफ़ी खतरनाक है यार। और ये भाई एक ही बार आया था यार अपने पबजी लाइट में, बाकी मेरे को बहुत कम बंदों के पास है ये सेट जो इस पे 30 WP पे है। और भाई काफ़ी कमाल की रिवॉर्ड्स थे ये, अब ऐसे शर्ट वगैरह ये टी-शर्ट वगैरह ही थे, लेकिन भाई आगे जैसे इंप्रूव होता गया ना भाई, वैसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सेट आते गए। तो ये टोपी भी तुम लोग देख सकते हो, और ये टोपी ना भाई मेरे को बहुत पसंद है यार। और ये वाला पैराशूट भाई क्या ही बताऊँ यार, क्या ही मस्त सा लग रहा है, ये पैराशूट सबसे कमाल का है। और भाई इसमें देख सकते हो AK वगैरह की स्किन, कार एंट्री, मतलब दो स्किन मिलती थी। बताऊँ यार मतलब बहुत तगड़ी जो आउटफिट, अगर मैं बताऊँ आउटफिट और गन स्किन के बारे में मेरी तरफ से मानो तो, पहले ना भाई दो तीन गन की स्किन आती थी और फ्री वालों के लिए भी काफ़ी कुछ आता था, लेकिन भाई अब पता नहीं क्या यार देखने को नहीं मिलता। तो ये तुम लोग देख सकते हो, तो सीजन 2 भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब मैं बनी सेट दिखा देता हूँ जो कि 30 W पे, ये देखो बनी सेट। अब भाई ये बनी सेट ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मतलब रैबिट रूबिट का सेट था भाई काफ़ी। और अब ना पहले हमारा सीजन 3 में ना जब BC में कन्वर्ट हुआ था, तो हम लोग को 300 BC का इलाइट विनर पास देखने को मिलता था, तो भाई ये थोड़ी अच्छी बात हो गई थी कि अब BC में कन्वर्ट हो चुके हैं। और सीजन 3 में तुम लोग देख सकते, सीजन 3 में ना पहली बार भाई UC को हटा दिया गया था, सीजन 3 में BC में चेंज हुआ था। तो ये तुम लोग देख सकते हो भाई, तो सीजन 3 हमारा कितना कमाल का था। इसमें भाई पजामा भी आ चुका है, मतलब पैंट यार समझ सकते हो। और जो 5 WP पर था यह कागज वाला हेड गियर, ये बहुत कम बंदों के पास है यार, लेकिन भाई काफ़ी कमाल का लग रहा है। तुम लोग बताना कि भाई तुम लोगों को कैसा लगा, ये मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। और प्लेन वगैरह की भी स्किन मिलती थी, और भाई देख सकते हो AK वगैरह का फ्री वाले के लिए भी इस बार मतलब ठीक ठाक था। और ये पैराशूट भी तुम लोग देख सकते हो, वैसे फ्री वालों के लिए भी भाई देखते थे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन अब तो भाई फ्री वालों के लिए यार कतई हटा ही दिया गया है यार, भाई क्या बताऊँ यार बहुत बेकार लगता है यार ऐसे। और AK भी तुम लोग देख सकते हो, AK भी काफ़ी कमाल का है। और भाई ये तो एक बार क्रेट में आई थी, मतलब क्रेट में आई है, लेकिन विनर पास में बहुत कम बंदों के पास होगा, तो भाई उस टाइम से मैं सीजन 5 से खेल रहा हूँ, मैं खुद की बताऊँ सीजन 5 से खेल रहा हूँ। तो भाई ये देख सकते हो, ये सेट भी काफ़ी कमाल का है। और ये भाई मस्त है यार, ये प्लेन की स्किन में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो सीजन 4, और सीजन 4 में ना हम लोग को फ्री में पैराशूट देखने को मिल गया था, लेकिन पहले भाई इलाइट में आता था लेकिन अब फ्री में मिलता था। तो प्लेन की स्किन में तुम लोग देख सकते हो, और भाई फ्री वालों के लिए एक कैप है, सिल्वर है। और भाई इमोट देखो, ये पहला इमोट था, मतलब सीजन 4 में पहला इमोट आया था आई थिंक, जो कि भाई काफ़ी कमाल का था। और फ्री वालों के लिए भी देखो भाई, फ्री वालों के लिए भी देते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या ये इनको खुजली होने लगे, फ्री वालों के लिए देते भी नहीं है यार। और सिल्वर देख सकते हो तुम लोग कितने ज़्यादा देते थे, अब तो भाई 30-20 ऐसे देते हैं, पहले तो सिल्वर भी बहुत ज़्यादा मिलता था। और देख सकते हो मतलब 3-3, 4-4 इमोट मिलता था हम लोग को विनर पास में, लेकिन भाई अब ऐसा हो गया एक इमोट भी बहुत मुश्किल से आता है। अब सीजन 5 की बात करें तो सीजन 5 भी अब काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो चुका है। और सीजन 5 में तुम लोग देख सकते हो, फ्री वालों के लिए शर्ट देखने को मिलता था, और ये वाला सेट भाई, ये सेट ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का है।
और ये इमोट भाई, ये इमोट भी ना बहुत कम बंदों के पास है यार। और देख सकते हो दो दो इमोट मिलती थी यार, अब तो भाई क्या बताऊँ, छोड़ो अब की तो बात ही छोड़ो। और ये सेट अभी भी मेरे पास है, ये 90BC में आया था मुझे याद है, और ये मेरे पास अभी भी है, मतलब इससे पिछला जो देखा था आपने वो वाली की बात कर रहा हूँ। और ये क्यूबी सेट भी काफ़ी कमाल का। अब सीजन 6 भाई, ये ना पबजी लाइट का बेस्ट सीजन था, मतलब क्या बताऊँ, इससे तगड़ी सीजन ना मैंने आज तक नहीं देखी पबजी लाइट में, लिटरली बता रहा हूँ। फ्री वालों के लिए ये टोपी मिलती थी, वैसे टोपी पहनने का इनका काम है। और देख सकते हो भाई साहब, इमोट तक मिलता था, मतलब इमोट फ्री वालों के लिए मिला था, जो उंगली वाला दिखाता है ना ऐसे, भाई ये भाई फ्री वालों के लिए था। और बैकपैक भी इस बार काफ़ी कमाल का था सीजन 6 में। और देख सकते हो मतलब बाइक की स्किन, प्लेन की स्किन सब एक साथ पेल रखी है, मतलब क्या ही मस्त है। और भाई इसमें बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि है वैम्पायर सेट भाई, ये ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का। और सीजन 6 में ना भाई पहली बार मिथिक सेट आया था, और इससे पहले ना आज तक, मतलब आज तक की बात करूँ, एक बार भी विनर पास में कोई मिथिक सेट नहीं आया। तो तुम लोग समझ सकते हो यार सीजन 6 कितना कमाल का था। सीजन 7 की बात करें तो सीजन 7 में हम लोग को ये सब देखने को मिलता था, जो कि भाई काफ़ी कमाल का था। ये बैंड बाजा वाला सेट है जो भी है यार, और फ्री वालों के लिए डांसिंग इमोट था। और भाई इस सीज़न भी मैं था, पर मैं रॉयल पास परचेज नहीं करता था यार, तो मेरे पास ये इमोट अभी भी पड़ा हुआ है। और भाई हेलमेट की स्किन भी तुम लोग देख सकते हो, हेलमेट की भी स्किन काफ़ी ज़्यादा कमाल की। और ये ना वाला इमोट भाई पहले फ्री में ही मिलता था यार, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है यार। और लेकिन अभी तो भाई, अभी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। और ये तुम लोग देख सकते हो, तो स्नोमैन वाला सेट भी काफ़ी कमाल का, मैं इसका नाम जो भी है लेकिन मैं तो इसको स्नोमैन वाला सेट बोलूँगा, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का सेट है। और ये इमोट तो भाई साहब मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार। और भाई मतलब जैसे जैसे मतलब WP बढ़ रहे हैं ना, मतलब कि यार सीज़न बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे काफ़ी कमाल की चीज़ें आई जा रही है। सीज़न 8 में भी तुम लोग देख सकते हो, सीज़न 8 भी काफ़ी हमारा कमाल का सीज़न था भाई। इसमें ना डासिया की पहली स्किन थी, मतलब डासिया जो है ना उसकी पहली स्किन आई थी, तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये एंग्री टेडी सेट भाई, ये सीज़न 8 में आया था, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन भाई इस बार भी मैंने इलाइट पास नहीं खरीदा था, तो भाई मैं वॉच वीडियो अब तक देख ही रहा था, और जितने भी BC पड़े हैं ना वो सब वॉच वीडियो देख देख के ही है। और भाई सीज़न 9 में भी तुम लोग देख सकते हो, तो सीज़न 9 भी वैसे काफ़ी कमाल का था। इसमें भाई दो दो गन की स्किनें मिल रही थी, जो कि मिनी की है और भी काफ़ी कमाल की। ये इमोट भी फ्री वालों के लिए ही है, और ये मेरे पास भी है, और ये अभी भी, ये मतलब ये रिपीट ही रहा, जो पेन की स्किन है ये आप लोगों के पास भी होगा 100% भाई, मैं 100% बोल सकते हो, ये आप लोग के पास भी होगा यार। और ये वाला सेट ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और ये देख सकते हो भाई साहब, DP की स्किन और UMP की स्किन भाई क्या ही कमाल की, मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगा यार। और इसका बैकपैक भी रैबिट बनी सेट जो भी नाम है यार इसका, मून बनी बैकपैक, हाँ सॉरी मून बनी बैकपैक भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अब नेक्स्ट की बात करें तो वो है सीज़न 10। अब सीज़न 10 भाई साहब लिटरली बहुत खतरनाक हो गया था। सीज़न 10 में तुम लोग देख सकते हो भाई साहब, ये सेट आया था, हम लोगों को देखने को मिला था, जो भाई काफ़ी, और इसका इमोट लिटरली भाई बहुत ज़्यादा कमाल का था। मेरे को ना सबसे ज़्यादा इस, मतलब सबसे फेवरेट ना मेरी यही इमोट है और वैम्पायर सेट है, जहाँ तक भाई मेरे को पता है कि आउटफिट वगैरह आते थे। और भाई इस बार ना गन की स्किन भाई दो दो थी, एक AKM की थी और एक और Kar98 की स्किन है। सीज़न 10 में हम लोगों को दो गन की स्किन देखने को मिली थी, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात थी यार। और हेलमेट की स्किन भी देख सकते हो भाई साहब, क्या ही कमाल का हेलमेट का स्किन लग रहा है, और भाई बहुत ज़्यादा कमाल का यार। और सीज़न मैंने यहाँ से सीज़न, मतलब सीज़न 11 से मैंने विनर पास लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई वॉच वीडियो देख देख के तुम्हारे भाई तक 280 VC हो चुके थे। तो ये मेरा फर्स्ट WP था, मेरे को भाई अभी भी याद है, जो कि मैंने परचेज किया था। बाकी ये मतलब क्या बताऊँ, ये मेरे को काफ़ी कमाल का लगा। इसमें भाई बाइक की स्किन 3-सीटर की भी आई थी, और ये सेट मेरे को नहीं मिला था, और ये M4 भी बिल्कुल भी नहीं मिला था, क्योंकि यार किस्मत इतनी ख़राब थी, नहीं मिली थी। अब सीज़न 12 में हम लोग को ये वाला सेट देखने को मिला था, जो कि भाई ये सबके पास होगा, ये अब जितने भी आने वाले हैं ना, मतलब सीज़न 13, 14, 15, ये आप लोग के पास ऑलरेडी होगा। तो बताना जरूर आप लोग के पास भाई, आप लोगों ने कहाँ से लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई मैं ना सीज़न 11 से लेना स्टार्ट किया था, तो आप लोग प्लीज़ यार बता देना आप लोगों ने कौन से सीज़न से स्टार्ट किया था। और ये देख सकते हो, ये फर्स्ट UAZ की स्किन थी, जो कि भाई सीज़न 12 में आई थी, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। और गोल्डन सैंड AKM भाई, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगा, ये मेरे पास अभी भी है। और सीज़न 13 भी भाई लिटरली ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। इसमें भाई डॉल्फिन वाला जो बैकपैक था ना, वो काफ़ी कमाल का था। ये इमोट भी तुम लोग देख सकते हो, ब्रेक डांस वाला, जो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। और इसमें भाई फ्री वालों के लिए भी कोई इमोट नहीं, क्योंकि भाई बहुत कम यार, मतलब रेयरली चांस होते हैं कि भाई अब फ्री वालों के लिए भी कुछ देखने को मिले, क्योंकि भाई पहले मिलता था, लेकिन भाई अब भाई मतलब ख़राब हो चुका है यार, मतलब मिलते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देते ये लोग। और डॉल्फिन वाला तुम लोग देख सकते हो, ये समर के ऊपर बेस्ड था, और भाई काफ़ी कमाल का लग रहा था यार। डॉल्फिन वाला तुम लोग बैकपैक देख सकते हो भाई, एसकेस और पैरासूट भी काफ़ी कमाल का था। और जो ये 30W पे है, जो इतना बेकार सेट दिया था, लेकिन भाई मतलब 30 पे कह रहे हो, 25 पे सॉरी, और जो 30 पे था ना, वो UAZ तुम लोग देख सकते हो, ये समर वाला UAZ है। और ये UAZ ना काफ़ी कमाल का था लिटरली। अब सीज़न 14 की बात करें, तो हम लोग को ये वाला सीज़न देखने को मिला था, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का था।
और लिटरली बताऊँ ना तो ये शर्ट ऑरेंज वाला ना बहुत कमाल का था। और भाई ये जो डीपी की स्पिन मतलब स्किन थी ना वो भाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और भाई ये भी काफ़ी कमाल का था यार। और ये भाई फर्स्ट मतलब सेकंड डासिया की स्किन थी अपने पबजी लाइट के अंदर, जो कि भाई सेकंड डासिया की स्किन के मुकाबले ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। जो कि फर्स्ट डासिया की स्किन थी ना वो भी काफ़ी कमाल का था, और सेकंड में तो भाई साहब एकदम मतलब क्या बताऊँ एकदम कतई तबाही भरा दे दिया था इन्होंने। तो भाई सेकंड वाला भी काफ़ी कमाल का था। ये सेकंड यूएजेड की स्किन थी और प्लेन की स्किन सी फिनिश वाली तुम लोग देख सकते हो। ये प्लेन की स्किन भी ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। सीज़न 15 की बात करें ना तो सीज़न 15 भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कमाल देखने को मिला था, जिसमें ये हम लोग को इमोट देखने को मिला था और ये शर्ट देखने को मिला था। कि भाई बहुत कम आप मतलब भाई सच में विनर पास ना अब इतना कमाल आता नहीं, लेकिन भाई कभी कभी ये लोग इतना कमाल का चीज़ें भी दे देते हैं ना विनर पास में, भाई यकीन नहीं होता। क्योंकि इस बार का विनर पास भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है यार। अब ये तुम लोग देख सकते हो ये प्लेन की स्किन बिना मुर्गे वाली, भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मेरे को भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये भाई चिकन वाला हेलमेट, भाई ये हेलमेट भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और ये बैरल की स्किन ना मेरी फर्स्ट बैरल की स्किन थी, और आप लोग बताना आप लोगों ने कहाँ से विनर पास स्टार्ट किया था लेना। और जो भाई ये चिकन सेट है ना भाई, ये भी लिटरली भाई ये विनर पास का ना चिकन सेट भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और ये विनर पास मतलब विनर पास सीज़न 15 में ना बोट की पहली स्किन मतलब फर्स्ट बोट की स्किन आई थी, जो कि भाई चिकन वाला था। और भाई ये काफ़ी कमाल का था और ये फर्स्ट थी। अब जो सेकंड मतलब 16 की बात करें तो हम लोग को 16 सीज़न पे ना मतलब सीज़न 60 पे हम लोग को ये वाला विनर पास देखने को मिला था, जो कि भाई क्रोकोडाइल वाला था। और इसमें ना भाई लिटरली काफ़ी कमाल का, सच में इसका बैक का स्किन ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। और बैक की स्किन की बात कर ही रहे तो भाई साहब मतलब तुमने अगर विनर पास सीज़न 25 की लीक्स नहीं देखी ना तो जाके देख लेना यार, तुम्हारे भाई ने बना रखी है। और ये बैक की स्किन भी तुम देख सकते हो, तो ये बैक की स्किन भी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे पास है भी। और ये भी मतलब ये मतलब क्या बताऊँ इसके बारे में ना, काफ़ी तारीफ करते करते थक जाऊँगा यार, इतना बढ़िया पैराशूट मिला था मेरे को। ये कलर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, और इसे लैंड करते तो मज़ा ही आ जाता है देख के। अब ये भाई ये क्रोकोडाइल वाला सेट ना भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, केकड़े वाला सेट। अब ये यूएजेड भी काफ़ी कमाल का था, मतलब 90% ना यूएजेड ही आते हैं ज़्यादातर अपने गेम में, क्योंकि भाई डासिया उतना देता नहीं है तो यूएजेड ही मिलते हैं हम लोग को। और भाई जो एकेएम है ना वो एकेएम भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये एकेएम भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। अब भाई एकेएम भी ज़्यादातर आ रही है गेम में। और भाई ये सीज़न ना सीज़न 70 ये भाई लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम था, मेरे को भाई ये सीज़न भी काफ़ी कमाल का लगा। क्योंकि भाई जो इसका इमोट था ना और भाई जो सेट, भाई इसे लेट के ना झाड़ में अगर तुम लेट जाओ ना पहन के, भैया जी मजा ले यार, तुम दिख जाओ एक बार भी, कतई सवाल ही उठता नहीं कि यार तुम लोग दिख जाओ। लेकिन भाई काफ़ी कमाल का ये विनर पास भी। और भाई इसमें जो प्लेन की स्किन है वो भी काफ़ी कमाल का था, और जो सेट था ना और इसका बैकपैक, भाई मतलब इसका बैकपैक काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, चौकोर में था, हाँ चौकोर में डब्बे साइज में जिसे बोलते हैं। और ये ब्लैक वाली तुम लोग पैराशूट भी देख सकते हो, तो ब्लैक वाली पैराशूट भी काफ़ी कमाल की लग रही है यार, बहुत तगड़ी है। और भाई जो यूएजेड भाई ये तो भाई अलग ही लेवल पे, इसका तो भाई क्या ही कहने। और ये क्यूबेजेड भाई इसमें ना इतना खास नहीं है, मेरे पास भी पड़ी है मतलब सबके पास होगा, लेकिन ये क्यूबेजेड मेरे को इतना कमाल का नहीं लगता, बिल्कुल बेकार सा लगता है यार। लेकिन जो यूएजेड भी ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब ये सेट भी तुम लोग देख सकते हो, तो ये सेट भी ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और भाई ये सेट को झाड़ में पहन के तुम लेट जाओ ना, मजा नहीं है कि यार तुम लोग दिख जाओ, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भाई जो 30W पे था उसको तो पहन के लेटना नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते कभी और, तब के लिए बाय। All right.